एज एन ऑप्शन बायर पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और स्मॉल ट्रेडर खत्म होने वाला है। दिस इज द वर्स्ट ट्रेडिंग मैयर एवर टेक। ये जो मैयर है ये अप्लाई हो जाएगा नवंबर 2020-2024। सेबी कंसल्टेशन पेपर हैज नोटेड देयर इज हाइपर एक्टिव ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन ऑन एक्सपायरी डे। कह दिया गया ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन 2% एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जाए। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संजय की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। 31 जुलाई 2024 वो डेट जहां पे सेबी ने कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया था और जनरल पब्लिक का उस पर कमेंट मांगा था कि हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कुछ मैयर्स लेके आना चाहते हैं ताकि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जो बहुत से रिटेलर्स घुस चुके हुए हैं उनको थोड़ा सा कर्व किया जाए, जो रिटेलर्स लॉस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कर्व किया जाए। बट ऐसा लग रहा है कि जो लोगों ने उस पर कुछ रिव्यूज अपने दिए वो रिव्यूज को ना सुनते हुए सेबी ने ऐसा समझा कि सभी ने कहा है हर क्वेश्चन का रिप्लाई यस है। अगर सेबी ने कहा कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दो तो सबने कहा हाँ जी बढ़ा दो। जिसने जो सेबी ने कहा सबने कहा यस बढ़ा दो। ऐसा लग रहा है सेबी की 30 सितंबर की मीटिंग के बाद जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग पे मैयर्स अप्लाई हुए हैं उनको पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है कि एज इट इज कंसल्टेशन पेपर अप्लाई कर दिया गया। अब आज की वीडियो में हम इसी सब चेंजेस के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों अब एक छोटा ट्रेडर मार्केट में आके बड़ा सपना नहीं ले पाएगा ट्रेडिंग का। छोटे ट्रेडर जो मार्केट में आके सपना लेते थे कि एक दिन वो भी बड़े बन पाएंगे इस स्टॉक मार्केट के थ्रू प्रॉपर वे में काम करके। देखो गैम्बलर्स के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं वो स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, उनके लिए गैम्बलिंग ऐप्स भी हैं, ड्रीम इलेवन जैसी कई ऐप्स हैं, इंडिया में काम कर रही है, आईपीएल पे भी सट्टा लगता है, सबको पता है। तो गैम्बलिंग जिसने करनी है उसने कहीं पे भी कर लेनी है। बट जो ट्रेडर सीख के समझ के छोटी कैपिटल से स्टार्ट करना चाहता था वो अब हो गया बाहर। क्यों बाहर हो गया आज की वीडियो में आपको एक एक मैयर बताऊंगा जो सेबी ने लिया है और इसका आपकी जिंदगी पे एज एन ऑप्शन ट्रेडर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सेबी का लव लेटर जो इसने कल ट्रेडर्स को दिया है। इसकी शुरुआत में सबसे पहला पॉइंट जो सेबी ने लिखा है वो है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। अब इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है कि अभी तक आप एज एन ऑप्शन बायर, सपोज मैं एक ऑप्शन बायर हूं, मैंने निफ्टी का 25 क्वांटिटी बाय करनी है, मतलब एक लॉट बाय करना है। उस टाइम निफ्टी का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, तो मैं 2500 रुपीज लगते हैं मेरे निफ्टी के एक लॉट को बाय करने में। अब मैक्सिमम ब्रोकर्स आज की डेट में भी 2500 रुपीज ही देते हैं, बट सेबी ने यहाँ पे ये क्लियर किया है ब्रोकर्स को कि अगर आप कम मार्जिन देते हो, जैसे 2500 वाला काम कोई ब्रोकर 1250 में कर रहा है, मतलब 2x का लीवरेज दे रहा है, कोई 10x का लीवरेज दे रहा है, 2500 वाला काम 250 में कर रहा है, तो अब वो नहीं कर पाएगा। आपको पूरा का पूरा प्रीमियम अपफ्रंट देना पड़ेगा और यही सेबी ने अपने इस पेपर में लिखा। ऑप्शन प्राइसेस मूव इन अ नॉन लीनियर वे एंड कैरी वेरी हाई इंप्लिसिट लेवरेज, दीज आर टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ फास्ट पेस्ड प्राइस एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। ऐसी टर्म्स तो भाई आजकल चैट जीपीटी पे लिख देता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इनका ये कहानी पढ़ने में। बट बेसिकली ये मेन आपको मैं बता दूं कि ये जो चेंजेस है, ये वाला पर्टिकुलर अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, अगर आप अभी तक किसी ऐसे ब्रोकर के साथ काम कर रहे थे जो आपको लेवरेज प्रोवाइड करता था, थे अभी भी ऐसे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स भी जो आपको 5x 10x का लेवरेज देते थे, तो अब ये फरवरी 1 2025 से खत्म होने वाला है। आपको सपोज 10 लॉट्स में ट्रेड करना है तो आपके अकाउंट में 10 लॉट को ट्रेड करने का पैसा होना चाहिए एज एन ऑप्शंस बायर। तो ये था नंबर वन चीज। नंबर सेकंड, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। सेबी का कहना है कि एक्सपायरी डेज पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली एक्सपायरी डेज पे, जहां पे ऑफसेट हो जाते हैं दूसरी एक्सपायरीज के प्रीमियम उन प्रीमियम्स के साथ, उसको खत्म कर रहे हैं। एक्सपायरी डेज पे ये ऑफसेटिंग नहीं हो पाएगी बट इसका आपकी जिंदगी पे असर नहीं पड़ेगा। 1% ट्रेडर्स कैलेंडर स्प्रेड का यूज करते हैं तो उनकी जिंदगी पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट तो भी आपको बता दूं कि ये जो रूल है ये अप्लाई हो जाएगा 1st of Feb 2025 से। अब थर्ड के ऊपर आते हैं, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजिशन लिमिट्स। इसका मतलब क्या है?
आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके ब्रोकर को एक इंस्ट्रक्शन है कि दिन में एक बार आपके ब्रोकर अकाउंट का मतलब आपके डीमैट अकाउंट का एक स्नैपशॉट देते हैं, वो जिसमें वो चेक करते हैं वेदर जो मार्जिन्स यूज्ड हैं आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में वो सफिशिएंट है। अगर मार्जिन सफिशिएंट नहीं होता उस टाइम पे तो ब्रोकर को पेनल्टी लगाई जाती है जो वो आपसे चार्ज करता है, और ये अच्छी खासी पेनल्टी होती है। मैं एज एन ऑप्शन बायर एज एन ऑप्शन सेलर एक बार 2018-2019 में ये पेनल्टी दे चुका हूँ, तो मुझे ये पता है। तब ऑप्शन सेलिंग कम मार्जिन से हो जाती थी, तो एक बार गलती से सेल साइड की पोजीशन पहले स्केयर ऑफ कर दी, फिर बाय साइड की स्केयर ऑफ की, तो ये पेनल्टी पड़ी थी। अब सेबी ने कह दिया ये स्नैपशॉट दिन में चार बार लिया जाएगा, तो अब ब्रोकर्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर किसी भी टाइम पे मार्जिन शॉर्टफॉल होता है किसी भी इंट्राडे ट्रेडर के अकाउंट से, तो ब्रोकर को उसी टाइम उसको नोटिफाई करके पोजीशन स्केयर ऑफ करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्रोकर के ऊपर पेनल्टी लगेगी और ब्रोकर को वो ऑब्वियसली आपसे देनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी जेब पे एक्सपेंस आ जाएगा। इसमें सेबी ने एक और बात कही है कि स्नैपशॉट्स वुड बी रैंडमली टेकन ड्यूरिंग प्री डिफाइंड टाइम विंडोज, मतलब रैंडमली कभी भी ले लिए जाएंगे और ये चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी अप्रैल 1, 2025 से, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है जिसका एज एन ऑप्शन बायर पे सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है और स्मॉल ट्रेडर खत्म होने वाला है, वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। एज ऑफ नाउ कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स वॉज 5 लाख रुपीज। सेबी ने कहा है सभी इंडेक्सेस के लिए इसको कम से कम 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया जाए। कम से कम, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कम से कम। अगर आप ये पॉइंट ध्यान से पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शन रिस्पेक्टिव द करंट स्टिपुलेशन इज फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स टू हैव अ वैल्यू बिटवीन रुपीज 5 लाख एंड 10 लाख। दिस लिमिट वॉज लास्ट सेट इन 2015। इन्होंने इसके ऊपर बहाना ये दिया कि मार्केट्स 2015 से अब तक बहुत ग्रो कर चुकी हुई है, तब हमने 5 लाख कहा था, अब तो बढ़ाना बनता है। गिवन दैट इट हैज बीन डिसाइडेड दैट अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव अ वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 15 लाख एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन इन द मार्केट। फर्दर द लॉट साइज शैल बी फिक्स्ड इन सच अ मैनर दैट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑन द डे ऑफ रिव्यू इज विद इन रुपीज 15 लाख टू 20 लाख। यानी कि जो अब आपका निफ्टी 25 क्वांटिटी में आ जाता था, निफ्टी का एक लॉट एक्सपायरी डे पे 1250 में भी आ जाता था, अगर वो 100 रुपए का है तो 2500 में भी आ जाता था। एक्सपेक्ट करो कि अब निफ्टी का एक लॉट 100 से 125 क्वांटिटी का होने वाला है। तो जो एक नया ट्रेडर मार्केट में ऑप्शंस बाइंग में शुरुआत करता था एक लॉट से अपना रिस्क मैनेज करने के लिए, इंटेलिजेंट ट्रेडर गैम्बलर तो पहले दिन से 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट से करते हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो ट्रेडर सीखने में इंटरेस्टेड होता था और एक लॉट से काम करता था कि भाई मेरी जिंदगी से 2500 रुपीज चले भी गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे उसका लॉट साइज अब मिनिमम 100 टू 125 होने वाला है। मतलब अब उसको एक लॉट निफ्टी का ट्रेड करने के लिए एटलीस्ट 10,000 टू 12,500 चाहिए। तो प्रैक्टिस में नए ट्रेडर का पैसा ज्यादा लगने वाला है। ये मैयर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया एज अ ट्रेडर, बट आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा मानना ये है दिस इज द वर्स्ट ट्रेडिंग मैयर एवर टेकन। अभी तो निफ्टी का लॉट साइज कम किया है, पहले 75 होता था, 50 अब 25 कर दिया, बैंक निफ्टी का इस टाइम 15 का लॉट साइज है। पहले आप लॉट साइजेस कम कर रहे हो, अब आप बढ़ा रहे हो, आपको खुद ही नहीं क्लैरिटी आपको करना क्या। ये जो मैयर है ये अप्लाई हो जाएगा नवंबर 2024, मतलब अभी चल रहा है अक्टूबर, अगले मंथ ये मैयर अप्लाई हो जाएगा। तो ये वर्स्ट मैयर मेरे व्यू पॉइंट में है, क्योंकि नया ट्रेडर प्रैक्टिस कैसे करेगा, प्रैक्टिस के लिए पैसा ज्यादा लगेगा। अब आता है रैशनलाइजिंग ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। ये मेरे व्यू पॉइंट में बहुत अच्छा चेंज है, बट अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की तरफ जाते हो, अगर जैसे हम ऑटोमेटिक ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं तो हमारे बैक टेस्टिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो ये जो पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को थर्सडे से उठा के वेडनेसडे पे लेके आया गया, अब क्या कहा गया है, अब ये कहा गया है कि हर रोज किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही है। सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है फ्राइडे, मंडे होती है बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी की, ट्यूजडे होती है फिन निफ्टी की, वेडनेसडे होती है बैंक निफ्टी की, थर्सडे होती है निफ्टी की। अब कहा गया है इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, थर्ड तो MCX है, कमोडिटी है वो NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों को कह दिया गया है कि आप अपने किसी एक इंडेक्स की बेंचमार्क एक्सपायरी को चूज कर लो। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सपोज कह दे कि मेरी निफ्टी की बेंचमार्क एक्सपायरी है,
मतलब मेरा निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स है, मैं उसकी एक्सपायरी चूज करूंगा। तो अब एनएससी के वीकली एक्सपायरी जो होंगी सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो थर्सडे को ही होंगी। आप ये ध्यान से पढ़ो, एक्सपायरी डे ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शंस एट अ टाइम व्हेन ऑप्शन प्रीमियम आर लो इज लार्जली स्पेकुलेटिव। हीरो जीरो लोग खेलते हैं, इनको उससे प्रॉब्लम है। डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफर शॉर्ट टेन्योर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिसेस व्हिच एक्सपायर ऑन एवरी डे ऑफ द वीक। SEBI consultation paper has noted there is hyperactive trading in index option on expiry day. ये तो मेरा भी personal view है, लोग हीरो जीरो में अपना capital, अपना पैसा बर्बाद करके जाते हैं। With average position holding periods in minutes accompanied by increased volatility in the value of index throughout the day and at the expiry. All this has implications for investors' protection and market stability with no benefit towards sustained capital formation. Accordingly, in order to specify this issue, हमने trading in index derivative on expiry day rationalized index derivative product offered by exchange which expire on weekly basis. Henceforth, each exchange may provide derivative contracts for only one of its benchmark index with weekly expiry. मतलब एक index choose करना पड़ेगा। अब मुझे आप बताओ, NSE हो सकता है निफ्टी चूज करे, हो सकता है बैंक निफ्टी चूज करे, फिर निफ्टी मिड कैप तो नहीं चूज करेगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है सेंसेक्स या बैंकेक्स में चूज करे, बट आपका क्या मानना है कौन से इंडेक्स को चूज किया जाना चाहिए इन दोनों एक्सचेंजेस के द्वारा? कॉल तो उनकी है, बट बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है जो इनका, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। आप ऑप्शन सेलिंग करते थे, अभी अगर आप हेज्ड ऑप्शन सेलिंग करते हो तो 30,000 से हो जाती है एक लॉट। वैसे ही लॉट साइज जब चार गुना होगा तो ये 120,000 तक पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ कह दिया गया ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन 2% एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जाए, जो मार्जिन लग रहा है उस पर एडिशनल 2% का मार्जिन लिया जाए, तो ये ऑप्शन सेलर्स को इम्पेक्ट करने वाला है। और ये चेंज जो अप्लाई होता है ये भी नवंबर 2024 से अप्लाई हो जाता है। सभी का लिखा हुआ है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फरवरी 1 से होगा, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड फरवरी 1 से होगा, इंट्राडे मॉनिटरिंग अप्रैल 1, 2025 से होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइज नवंबर 2024 से होगा, रैशनलाइजिंग ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव नवंबर 2024, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी नवंबर 2024। तो भाई साहब, आपके ओपिनियन में ये जो चीज ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए की गई है ये क्या है, कैसी है, आप जरूर बता के जाना। मैंने अपना ओपिनियन तो आपको वीडियो में बताया ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।